वाह बालवीर, फिर तो ये क्रिसमस बच्चों के लिए एकदम खास होगा। हाँ, और ऐसा जश्न कभी नहीं हुआ होगा ना बालवीर। गालपरी, अभी बच्चों के उपहार बनने में और कितना समय है? बस कुछ ही देर में बच्चों के सारे उपहार तैयार हो जाएंगे। ठीक है। बालवीर, क्या बन रहे सिर्फ तोहफे इस बार बच्चों के लिए? क्या नहीं बन रही चॉकलेट्स इस बार बच्चों के लिए? नहीं। अरे डूबा डूबा, आपको पता नहीं इस बार हम बच्चों के लिए चॉकलेट्स तो बना ही नहीं रहे। क्या अब इस बार चॉकलेट्स ही बना रहे? लेकिन लेकिन नटखट परी, बिना चॉकलेट्स के तो बच्चों का क्रिसमस अधूरा ही रह जाएगा। हाँ। आपको पता है ना, बच्चों को सबसे ज्यादा चॉकलेट्स ही पसंद है। हाँ बालवीर, ये तो है। और हमारे भी मतलब जब तक नहीं खाएंगे हम चॉकलेट्स, नहीं आएंगे हमारे चेहरे पर पूरी खुशी। परियों, अब चॉकलेट्स बनाना कैसे भूल सकती है? अब हम क्या करेंगे? बालवीर फंस गया परियों के मजाक में। मजाक? हाँ बालवीर। बालवीर, गालपरी ने कहा कि इस बार हम चॉकलेट्स नहीं बनाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बच्चों को इस बार चॉकलेट्स मिलेंगी ही नहीं। बच्चों को क्रिसमस पे चॉकलेट्स मिलेंगी भी और चॉकलेट्स बनेंगी भी। लेकिन चॉकलेट्स कहाँ बन रही है? चॉकलेट लोक में। चॉकलेट लोक? हाँ। चॉकलेट लोक ये कहाँ है? मैंने तो इससे पहले इस चॉकलेट लोक के बारे में सुना ही नहीं। और हाँ, हाँ चॉकलेट्स बनाता कौन है? बालवीर, चॉकलेट लोक में एक चॉकलेट अंकल है जो बच्चा लोग के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स बनाते हैं। चॉकलेट अंकल? आपकी बातें सुनकर तो मेरा भी मन कर रहा है चॉकलेट लोक में जाने का। चॉकलेट लोक है ही ऐसा बालवीर के वहाँ जाने का मन हो जाए। और उस चॉकलेट लोक की सबसे अच्छी बात यह है, चॉकलेट अंकल की चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री। हाँ। जिसमें अनगिनत बच्चे लोग के लिए स्वादिष्ट चॉकलेट बनती ही रहती है। सुनकर ये सब आ गया मेरे मुंह में पानी। तो अपना मुंह बंद रखो डुबा डुबाए, क्योंकि वो चॉकलेट्स बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। हाँ बाली, इस बार बच्चों के लिए इतनी स्वादिष्ट चॉकलेट्स बनेंगी कि उनका स्वाद बच्चे कभी नहीं भूल पाएंगे। हाँ। वाह, बच्चों की खुशी के लिए चॉकलेट बनाई जा रही है। मेरे प्यारे बालवीर और भोली पल्ली, चॉकलेट लोग की ये चॉकलेट बच्चों को खुशियां नहीं बल्कि गम देंगी। ये है मेरे करम, कभी खुशी कभी गम, कभी गम कभी खुशी कभी गम। अब देखना बुराई के कैसे सुर बजाती हूँ। ये बल्लू भी कितना बड़ा लल्लू है ना। कल हमारे स्कूल में क्रिसमस की पार्टी है जहाँ आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, जूस और स्पेशली सांता क्लॉज होंगे। लेकिन ये सब छोड़ के वो जा रहा है अपने चाचा के यहाँ। लेकिन महर, तुझे तो पता है ना कि बल्लू अपने चाचा की हर एक बात सुनता है, इसीलिए बल्लू के चाचा बल्लू को जब भी बुलाते हैं बल्लू को जाना पड़ता है। वो तो है, पर महर तू ये सब छोड़ और जल्दी से घड़ी में 7 बजे का अलार्म लगा दे। क्यों?
पढ़ने के लिए? नहीं, नाचने के लिए। तो सही सही बता वरना पीट दूंगी। किसे? इस घड़ी को? अब तो सच में पीट दूं। परे मैं, तू इतना गुस्सा क्यों करती है? तू भूल गई, हमें सुबह उठते ही पापा के पास जाना है और उनसे पार्टी की परमिशन लेनी है ना? अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी। पापा का मूड सुबह सुबह कितना फ्रेश होगा ना हमें डांटने के लिए। सॉरी, जोक था। मानव, तू ना एक बात कान खोल के सुन ले। इस पार्टी के बारे में ना कोई जोक नहीं, समझा? इसीलिए इससे पहले कि पापा का सुबह सुबह मूड खराब हो जाए, हम उससे पहले इस पेपर पे साइन करवा लेंगे, ओके? और वैसे भी मैं कल तो लास्ट है स्कूल में परमिशन लेटर देने का, और अगर कल पापा इस परमिशन लेटर पे साइन किए बिना ही ऑफिस चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। माना, एक बात बताऊं, तू ये सब खराब बात है ना मत किया कर, वरना सचमुच में ना मैं तुझे पीट दूंगी। चले अब तू सो जा। और मैं भी सो जाती हूँ। देख क्रिसमस पार्टी के सपने। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। मतलब महर, हमारी मॉर्निंग शुभ होनी चाहिए इसलिए गुड मॉर्निंग। होनी चाहिए नहीं मानव, होगी, जरूर होगी, क्योंकि कल हमारे पार्टी में होंगे सैंटा क्लॉज, बालवीर और हम सब बच्चे। गुड नाइट। गुड नाइट। तौबा 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 तौबा, यहाँ है। कहाँ हो तुम तौबा तौबा? अरे हूँ मैं यहाँ। है क्या तकलीफ आपको छलपरी? नहीं देखा जाता कि आपसे ये खाऊं मैं कुछ आपके थप्पड़ों के सिवा? नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि तुम जो भी खाओ वो मजेदार। क्या थप्पड़? नहीं, तुम्हारा खाना। और इसीलिए मैं तुम्हारे खाने को और ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए चूरन लाई। ये लो खाओ इसे। नहीं नहीं, है नहीं भरोसा मुझे आप पे। क्या कहा? नहीं, नहीं मतलब नहीं चाहिए मुझे ये खाना, पर दीजिए आपका ये स्वादिष्ट खाना बनाने वाला चूरन इस पे दीजिए। हाँ हाँ, क्या फर्क पड़ता है, धुन अच्छी होनी चाहिए, फिर चाहे उसे तुम गाओ या मैं। खाओ खाओ। आपका ये चूरन कुछ फर्क नहीं पड़ा इसके स्वाद में तो। इससे स्वाद आएगा तौबा तौबा, बहुत स्वाद आएगा, लेकिन तुम्हें नहीं मुझे। अरे हुआ कैसे मैं इतना छोटा? ए, ए, चल परी, ए, ए, चल परी, ए, ए, चल परी। अरे सुन रही हो ना आप मुझे? ए, चल। अरे परी भयंकर, समझाइए इस चल परी को। देखिए क्या किया है मेरा हाथ इस छल परी ने। देखा भयंकर परी, मेरे जादुई चूरन का कमाल। बस अब मैं ये जादुई चूरन क्रिसमस में बटने वाले चॉकलेट्स में मिलाऊंगी, और जैसे ही सेंटा क्लॉज वो चॉकलेट्स बच्चों में बांटेंगे, बच्चे वो चॉकलेट्स खाकर बिल्कुल तौबा तौबा की तरह छोटे छोटे हो जाएंगे, और बच्चों की क्रिसमस पार्टी बन जाएगी मुसीबत पार्टी।
शाबाश जलपरी, शाबाश। अब देखना भयंकर परी, इस बार जीत की बांसुरी बुराई ही बजाएगी और सच्चाई उसकी धुन पर नाचेगी। लेकिन नहीं, मुझे तो इन्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लोग सोते रह गए तो फिर मोटा भाई को मक्खन कौन लगाएगा? और अगर मोटा भाई को मक्खन नहीं लगाया तो फिर ये दोनों क्रिसमस पार्टी में कैसे जाएंगे? पर यहाँ जो उठाना पड़ेगा माना। नहीं नहीं, मैं इन लोगों को सोने देता हूँ। ये दोनों जरूर क्रिसमस पार्टी का सपना देख रहे होंगे। मैं इनका सपना नहीं तोड़ूंगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सेंटा क्लॉज जी, सेंटा क्लॉज जी, मैं मानव मेहर का चाचू, रॉकी चाचू। मैं इन दोनों की तरफ से मोटा भाई को मक्खन लगाने जा रहा हूँ, आप प्लीज मेरी मदद करना। वो क्या है ना, इस समय आप देख रहे हो ना, मानव मैं दोनों बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। वो आप ही का ही सपना देख रहे होंगे, क्रिसमस पार्टी वाला। वैसे भी इन लोगों को आपकी क्रिसमस पार्टी में आने का बहुत मन है, प्लीज मेरी हेल्प करना। और वैसे भी मोटा भाई को मक्खन लगाने में बहुत मजा आएगा। लो, कर लिए मैंने तैयार बच्चों के क्रिसमस के उपहार। कर लो आप कुछ भी, लेकिन मिलेगी आपको बालवीर से हार ही। तोबा तोबा। भयंकर परी, मेरी ये बनाई हुई चॉकलेट खाकर बच्चे हमेशा के लिए इतने छोटे हो जाएंगे कि वो बालवीर बालवीर चिल्लाएंगे तो सही, लेकिन बालवीर तक उनकी आवाज पहुंचेगी ही नहीं। शाबाश जलपरी, शाबाश। बस अब मुझे अपनी बनाई हुई ये बच्चों को छोटा करूं चॉकलेट का परीक्षण करना पड़ेगा। तू क्या कहता, मैं गोबा 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 तोबा तोबा, इधर आओ और इस चॉकलेट को चखो। मैं नहीं चखूंगा, मैं नहीं चखूंगा, तुम चखो, तुम चखो, तुम चखो, तू चखो, मैं नहीं चखूंगा। अरे तुम चखो ना। तौबा तौबा, अगर एक शब्द भी और बोला ना तो जितना कद बचा है उतना भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास। तुम्हारा नाम है तौबा तौबा, जाओ तुम चखो, जाओ। अरे नहीं नहीं चल परी, वो मैं तो बेसुरा, इसलिए है पसंद मुझे बेस्वाद चीजें। काम कीजिए, ये स्वादिष्ट चॉकलेट दीजिए मेरे प्यारे दोस्त गोबा गोबा को खाने को। दगड़ दुम नहीं नहीं चल परी, वो दोनों चॉकलेट मैं मेरे अजीज दोस्त तोबा तोबा को दीजिए। तोबा तोबा, ये लो। नहीं खाऊंगा मैं ये चॉकलेट्स, चाहे हो जाए कुछ भी। हाँ। तो ये बड़ी भयंकर है, ये चल परी बड़ी चालाक। अरे खाके ये चॉकलेट्स हो जाऊंगा मैं छोटा, और फिर करके आपको भी छोटा, आपकी इस भयानक लोग को कर लीजिए कब्जे में। Thank you.
ले ले। अरे खा। अरे खो जाओ वरना भयानक लोग की चील को छोड़ दूंगा तेरे ऊपर। क्या हुआ? कितनी कड़वी चॉकलेट बनाई है। अरे है कहते इसे चॉकलेट, अरे इसके आगे तो कड़वा नीम भी मीठा लगे। ठीक है मैंने जानबूझ कर ये कड़वी चॉकलेट नहीं बनाई है, बल्कि मैंने तो ये चॉकलेट भयानक लोग की मिट्टी से बनाई है। हो सकता है इसलिए कड़वी हो गई हो। अरे बुराई के जमीन से निकलेगी तो बुरी चीज ही होगी ना, और होगा आपका भी बुरा हाल। नहीं तौबा तौबा, छल परी के सुर आज तक कभी कड़वे और बेसुरे नहीं लगे हैं, और ना ही छल ने कभी हारने वाला संगीत सीखा है। अब मैं चॉकलेट्स बनाऊंगी चॉकलेट लोग की मिट्टी से, और इसके साथ ही मिल जाएगा बच्चों का क्रिसमस का जश्न भी मिट्टी में। फिर कैसे बचेंगे बच्चे छोटे होने से? तौबा तौबा गोबा गोबा, चलो चॉकलेट लोग चले चलो। इस बार सच्चाई घुटने टेकेगी बुराई की बुराई, और जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी। मानव, मैं, अरे नहीं, ये लोग तो अभी ये लोग सो रहे हैं। नहीं नहीं, मैं अभी इन्हें उठा देता हूँ, इनको बताता हूँ कि मैंने इनका काम कर दिया। मानव मानव उठो, महर महर उठो। मानव ये अलार्म बज रहा है, आ तो बंद कर दे। मैं तो मुझे मार क्यों रही हो? रोकी चाचा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी, मुझे लगा आप अलार्म हो, इसलिए मैंने आपको बंद कर दिया। मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब मुझे लगा कि आप अलार्म हो, इसलिए मैंने घड़ी को बंद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे ही तुम लोगों को उठाना था ना। ओह नो, मानव 8 बज गए। हाँ तो उसमें कौन सी नई बात है, 8 तो रोज बजते हैं, और वो भी 2-2 बार है? मानव 8 रोज बजते हैं ये मुझे भी पता है, लेकिन आज का 8 बजना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मानव हमें आज पापा को मक्खन लगाना था, मक्खन। अरे हाँ मैं, अब तो हमें देर हो गया, अब हम क्या करेंगे? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों का काम कर दिया है। सच्ची? हाँ हाँ सच्ची, आज सुबह उठते ही मैंने अच्छी तरीके से मोटा भाई को मक्खन लगाया है। आज आपकी वजह से पापा हमें पार्टी में जाने के लिए अलाउ कर दिए। थैंक यू। एक मिनट, तुम लोगों ने कहा था कि मोटा भाई को मक्खन लगाओ, तो मैंने मक्खन लगा दिया। लेकिन अब तुम लोग पार्टी में जाओगे या नहीं जाओगे वो तो उनके उठने के बाद पता चलेगा ना। उठने के बाद का क्या मतलब है? हाँ, क्योंकि अभी तो मोटा भाई सो रहे हैं ना। पापा सो रहे हैं? तो फिर रॉकी चाचू, पापा जब सो रहे थे तो आप उनको मक्खन कैसे लगाए? हाँ? मैंने मोटा भाई को बड़े अच्छी तरीके से मक्खन लगाया। हाँ।